और बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी कैबिनेट की बैठक में तीन बड़े फैसले लिए गए हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 10 साल नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को अब पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही 25 साल तक काम करने वालों को पूरी पेंशन मिलेगी। इसके अलावा कैबिनेट ने बायो E3 पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत बायोटेक ऑफ इकोनॉमी, एनवायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट पर फोकस किया जाएगा। वहीं मोदी कैबिनेट ने 10,579 करोड़ की लागत से विज्ञान धारा योजना को मंजूरी दी है और इस नई पॉलिसी का मकसद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और रिसर्च को बढ़ावा देना होगा। तो मोदी कैबिनेट की तरफ से ये तीन बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें बायो E3 पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। तीन बड़े फैसले कल लिए गए हैं और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि विज्ञान धारा स्कीम को जो है मंजूरी दी गई और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को भी मंजूरी देने का फैसला मोदी कैबिनेट की तरफ से लिया गया। ये केंद्रीय कर्मचारियों को ये तोहफा मोदी कैबिनेट की तरफ से दिया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर अब केंद्र सरकार आई है, जिसमें बायो E3 पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई और ये तीन बड़े फैसले जो काफी समय से लंबित थे, लेकिन अब ये फैसला लिया गया। विज्ञान धारा स्कीम को जो है मंजूरी दी गई है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को भी मंजूरी दी गई। तो मोदी कैबिनेट की बैठक में तीन बड़े फैसले लिए गए हैं, जिससे अब सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ आम जनता को भी फायदा होगा। इतना ही नहीं, देखिए लाभ क्या होगा ये भी आपको बता रहे हैं। हर कर्मचारी को मिनिमम 10,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। इतना ही नहीं, कर्मचारी को वेतन का 50% एश्योर्ड पेंशन जो है वो दी जाएगी। कर्मचारी की मृत्यु होने पर पत्नी को पेंशन की 60% राशि देने का भी प्रावधान इसमें है और हर कर्मचारी को मिनिमम 10,000 रुपए पेंशन देने का प्रावधान इसमें है। बायोटेक्नोलॉजी, बायो साइंसेज से रिलेटेड जितने फील्ड्स हैं, उसमें आने वाले समय में बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है और बहुत बड़ा उससे रोजगार भी पैदा होगा। इसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट था कि एक अच्छा पॉलिसी फ्रेमवर्क बने, तो ये पॉलिसी फ्रेमवर्क आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है। बायो E3, बायो टेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड डिसीजन है विज्ञान धारा स्कीम। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से बहुत विश्वास रहा है। आज कैबिनेट ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में विज्ञान धारा स्कीम 10,579 करोड़ रुपीस की ये स्कीम अप्रूव की। जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है, उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा, पीएम मोदी ने दरअसल लिखा कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। ये कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और चलिए अब आपको ग्राफिक जरिए समझाते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम से केंद्रीय कर्मचारियों को आखिर किस तरीके से फायदा होगा। केंद्र सरकार की तरफ से ये तीन बड़े फैसले लिए गए हैं। देखिए कर्मचारियों को कितनी पेंशन मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है, कर्मचारियों को वेतन का 50% एश्योर्ड पेंशन मिलेगी, ये फायदा होने वाला है। इतना ही नहीं, कर्मचारी की मौत पर पत्नी को पेंशन की 60% राशि जो है वो दी जाएगी। इतना ही नहीं, किसी भी केंद्रीय कर्मचारी को न्यूनतम 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। आप ये भी समझिए, यानी कि अगर किसी की सर्विस 10 से कम भी होते, 10 साल से कम होती है, तो उसे भी पेंशन मिलेगी। 1 अप्रैल 2025 से स्कीम को जो है लागू कर दिया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को बहुत फायदा होगा। एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है। इस स्कीम के 5 पिलर्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, 50%
अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। तो सेकंड पिलर इस यूपीएस का है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। किसी भी कर्मचारी के डिमाइज से पहले इमीडिएटली पहले जो पेंशन थी अमाउंट था उसका 60% मिलेगा एम्प्लॉय के, डिसीज्ड एम्प्लॉय के स्पाउस को। एक मिनिमम अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 rupees पर मंथ, वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा गया। फोर्थ पिलर है इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्सेशन। पांचवा पिलर है इस स्कीम का लंपसम पेमेंट एट सुपर एन्यूएशन इन एडिशन टू ग्रेचुइटी। ये पांच पिलर्स को लेके आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव हुई है। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर हमारे सहयोगी नीरज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीआरएस और वन टाइम स्कीम सिलेक्शन को लेकर सवाल किया, जिस पर कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने जवाब देते हुए कहा कि एक बार के कर्मचारियों के पास एक बार सिलेक्शन का मौका होगा और वीआरएस की कंडीशन में भी मिनिमम 25 साल वाला नियम लागू होगा। दो सवाल है, एक तो जो विकल्प को लेकर हमने पूछा था कि वन टाइम स्विच होगा एनपीएस से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, और दूसरा सवाल यह है कि जो लोग वीआरएस लेंगे उनके लिए क्या प्रावधान होगा नए पेंशन स्कीम में यानी यूपीएस में। सो ये जो आपने कहा कि वन टाइम स्विच, हाँ यू हैव टू, यू कैन ऑप्ट ओनली वंस, यू कैन नॉट चेंज योर ऑप्शन। आपको एक टाइम ऑप्शन करना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए कि वो चाहिए, एक बार कर दिया तो वो इट रिमेन्स फिक्स्ड। दूसरा सवाल वॉलंटरी रिटायरमेंट में भी ये 25 ईयर मिनिमम सर्विस का प्रोविजन रहेगा, लेकिन उसमें पेंशन विल स्टार्ट ओनली फ्रॉम सुपर एनुएशन नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फैसले पर जेसीएम मेंबर शिव गोपाल मिश्रा ने खुशी जाहिर की। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि एश्योर्ड पेंशन से कर्मचारियों को बहुत लाभ मिलेगा। गोपाल मिश्रा जी है जो मीटिंग का हिस्सा भी रहे। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि मीटिंग कैसे रही और क्या कंक्लूजन निकला है? इनका मीटिंग बहुत अच्छी रही। प्रधानमंत्री जी का जो पहली बात तो उन्होंने अपने स्वयं संज्ञान लेकर के हम लोगों को बुलाया, यही सबसे बड़े खुशी की बात है। इससे हमारे 32 लाख जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनके अंदर काफ़ी खुशी थी, और आज जो उन्होंने मीटिंग की वो बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो इतने दिनों से बातचीत की है उस कमेटी के साथ में जो सोमनाथन जी की अध्यक्षता में बनी थी, तो उसका जो निचोड़ सबने मिल करके निकाला है हम उससे सहमत हैं, और इसके अनुसार जो हमारी डिमांड थी कि 50% कम से कम पेंशन मिलनी चाहिए वो पेंशन मिलेगी, उसके ऊपर महंगाई राहत मिलेगी। उसके अलावा जो लोग रिटायर हो जाएंगे या मान लीजिए उनकी डेथ हो जाती है पेंशनर्स की, तो उनके जो फैमिली है उसको 60% पेंशन का मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई मिनिमम पेंशन के दायरे में आते हैं तो उनको 10,000 रुपये कम से कम पेंशन प्लस महंगाई भत्ता मिलने काम होगा। इसके अलावा जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनके लिए भी ये फैसला हुआ है कि वो भी 3,000-4,000 रुपये के तनख्वाह पर रिटायर हुए हैं उनको भी जो है वो पेंशन जो है वो इसी जो हमारी एश्योर्ड पेंशन स्कीम का फार्मूला बनेगा उसके अंदर उनको ले आएगा। तो जो आप जो एश्योर्ड पेंशन स्कीम कह रहे हैं यही सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम है जिसकी अनाउंसमेंट भी अभी कैबिनेट ब्रीफिंग में कैबिनेट ने शायद इसका अप्रूवल कर दिया है और इसका अनाउंसमेंट भी हो गया। तो वही कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर कहा कि जो काम सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए वो सरकार अब दबाव में कर रही है। जो काम सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए था वो सरकार अब दबाव के अंदर कर रही है। सारा विपक्ष ये कहता रहा है कि पेंशन के मामले में सरकार को डिसीजन लेना चाहिए। ये जो दो हिस्सों में बांटा है और 50% पेंशन दी जा रही है ये भी कम है। जैसे कि पहले होता था कि सैलरी की बुनियाद पे, तनख्वाह की बुनियाद पे एम्प्लाइज को पेंशन मिलनी चाहिए और 50% नहीं मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए।
इसके साथ ही मोदी कैबिनेट में 10,589 करोड़ की लागत से विज्ञान धारा योजना को मंजूरी दी गई है। इस नई पॉलिसी का मकसद क्या है, ये आपको बता रहे हैं। देखिए, मकसद है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और रिसर्च को बढ़ावा देना। इसके तहत ज्वाइंट रिसर्च फेलोशिप और ज्वाइंट फेलोशिप दी जाएगी। साथ ही कैबिनेट ने बायो ई3 पॉलिसी को मंजूरी दी है, जिसके तहत बायोटेक ऑफ इकोनॉमी, एनवायरमेंट और साथ ही एम्प्लॉयमेंट पर फोकस किया जाएगा, जिसके तहत जो है बायो ई3 पॉलिसी को मंजूरी अब दी गई है।